हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर बागेश्वर धाम से चली यात्रा अब झांसी जिले में पहुंच चुकी है। यहां उनका साथ देने के लिए फिल्म अभिनेता संजय दत्त और मशहूर रेसलर द ग्रेट खली भी पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें उनका साथ देने के लिए अब पूरे देश के जाने माने लोग भी शामिल हो रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा निकाली जा रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का समर्थन भी किया जा रहा है। पदयात्रा के दौरान करीब एक घंटे तक आज संजय दत्त और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सड़क पर बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ बातचीत करते दिखे। संजय दत्त को देखने के लिए मऊरानीपुर क्षेत्र में हजारों लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी थी। इसके साथ ही विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले रेसलर द ग्रेट खली भी इस यात्रा में शामिल हुए। यह यात्रा झांसी के मऊरानीपुर के ग्राम भदरवारा पहुंची थी, जहां पदयात्रा में द ग्रेट खली ने भी उनका समर्थन किया। पदयात्रा में शामिल होते हुए उन्होंने उपस्थित जनसमूह का अभिवादन किया और हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि देश हमारे लिए सर्वप्रथम होना चाहिए। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, महिला हो चाहे पुरुष हो, सब लोग देश के लिए काम करते हैं। और हमारा एक दुर्भाग्य है जो हमारा देश जात पात पे अपनी एनर्जी खराब करता रहता है। तो दोस्तों, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग इतने संख्या पे यहाँ पर आए हैं, सबको जात पात के पे बांट के रखा है। ये हमारा एक दुर्भाग्य है, जो भी हमारे हिंदुस्तान के जो पॉलिटिशियन है, आज 70-75 साल हो गई है, लेकिन धर्म पे लोगों के, जो मैं आंखों पे देख रहा हूँ, जुनून और एक जो कि देश के लिए मर मिटना, यही हमारा सच्चा धर्म है, यही हमारा सच्चा कर्म है। सो बोलिए बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, भारत माता की, भारत माता की। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।